That's why please like, comment, share and subscribe as well. Hello my beauties, hope you are doing great. मजा आ रही थी मुझे देखे तो या hey guys, उसका लिंक आपके टॉप राइट कॉर्नर में रहेगा जो भी ऑल दिस स्टफ बहुत सारा है तो बट जिस तरीके से मैंने साइड किया है इसको टाइम कर लिया है वीडियो को ज्यादा फनी करता है एंड सो सुपर कंफर्टेबल मतलब ऐसा नहीं जैसे कुछ स्कर्ट्स होती हैं कि Hello my beauties, hope you are doing great. My name is Katyayani and I'm back with another video. जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं Myntra से और सारे सामान मंगा रही हूँ जो कि मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी एंड गेस वॉट आई हैव एवरी थिंग ह्योर राइट नाउ विद मी लाइक सी आई हैव ऑल दिस स्टफ बहुत सारा है तो ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। खैर स्टाइलिंग के लिए मैंने कुछ पहले के भी आइटम्स जो मैंने पहले हॉल में दिखा दिए हैं मैं वो भी यूज़ करने वाली हूँ बट डू नॉट वरी गाइज उसका लिंक आपके टॉप राइट कॉर्नर में रहेगा जो भी आई बटन है जब मैं उस चीज़ के बारे में मैंशन करूँगी तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट आई बटन इधर या इधर होगी आप उधर क्लिक करो एंड विल गो डायरेक्टली टू दैट पर्टिकुलर वीडियो तो विदाउट एनी फर्दर डिले विल बिगिन द वीडियो बट बिफोर दैट गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में हिट दैट नोटिफिकेशन बेल जिससे कि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए एंड ऑल्सो अगर वीडियो एंड तक देखना और अगर पसंद आती हो तो प्लीज गाइज बिना लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब किए मत जाना बिकॉज मोटिवेशन मिलती है जब व्यूज आते हैं कमेंट्स आते हैं इंटरेक्शन होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो और सारे वीडियोज बनाने की मोटिवेशन मिलती रहती है दैट्स वाई प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं तो जो हमारे पास पहला है ना दिस इज अ प्लीटेड स्कर्ट लुक एट दिस ये क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है एंड ये फैब्रिक आई डोंट नो क्या फैब्रिक है बट आई थिंक शिफॉन नहीं यार शिफॉन तो थोड़ा वैसा टाइप का होता है मतलब यार फैब्रिक का मुझे आइडिया नहीं है बट जो भी है बहुत अच्छा है वैसे भी सी थ्रू नहीं है बट इसमें साथ में अंदर लाइनिंग भी दी हुई है यू कैन सी द लाइनिंग सेम कलर की लाइनिंग दी हुई है एंड साथ में इसमें क्लोजर के लिए यहाँ पे एक ये हुक टाइप का दिया है एंड साथ में इधर जिप भी है ये देखो इतना खुल जाता है एंड इसमें पीछे इलास्टिक भी दिया हुआ है विच मेक्स इट वेरी वेरी कंफर्टेबल टू वेयर आपके स्टमक पे टाइट वगैरह नहीं होती है दिस इज फ्रॉम द ब्रांड फेबल स्ट्रीट आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट सी दिस इज द ब्रांड फेबल स्ट्रीट ये मैंने लिया था बीच कलर में और ये इसकी फिटिंग वगैरह मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी इसका मतलब जो फिट था मेरी बॉडी टाइप पे वो इतना ज़्यादा अच्छा लगा था कि मैंने सेम प्लीटेड स्कर्ट एक और मंगाई जो कि है ग्रीन कलर में यू कैन सी दिस बट ये पहले इस मतलब पहले वाले से थोड़ी सस्ती है दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड रेयर ये देखो ये रेयर से है एंड ये ग्रीन कलर में है इसका जो फैब्रिक है ना ये थोड़ा सा रफ है आई एम नॉट सेइंग दैट क्वालिटी खराब है नहीं क्वालिटी बहुत अच्छी है बट अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसका फैब्रिक काफ़ी स्मूथ है वेयर एज इसका फैब्रिक थोड़ा सा रफ है मतलब वो जो दुपट्टे वाला फैब्रिक नहीं होता है जॉर्जेट दुपट्टा उस टाइप का थोड़ा थिक फैब्रिक है एंड इसमें भी ये इलास्टिक दी हुई है ये देखो सी थ्रू ये नहीं है बट इसमें लाइनिंग भी नहीं दी हुई है अंदर ये पहले वाले से सस्ती है मतलब दिस वॉज अ बिट कॉस्टलियर दैन दिस वन मैं दोनों की प्राइस मुझे नहीं याद है तो प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी साथ में ये पहनने के बाद यार दोनों इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं इतनी ज़्यादा फ्लैटरिंग लगती हैं लाइक इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स टू ड्रेस वेस्टर्न वे में बट स्टिल यू वॉन्ट योर बॉडी टू बी कवर्ड इन लाइक एक प्रॉपर कवर्ड बॉडी रहनी चाहिए एक डिसेंट वे में ड्रेस करना है देन यू मस्ट डेफिनेटली गो फॉर दी स्कर्ट्स क्योंकि ये मैक्सी लेंथ की है मतलब बिलो योर नीज तो मतलब आपका जितना भी पार्ट कवर होना चाहिए ना पैर का ये उतना कवर करके रखती है एंड दे आर सो सुपर कंफर्टेबल मतलब ऐसा नहीं है जैसे कुछ स्कर्ट्स होती हैं कि आफ्टर वेयरिंग देम यू हैव टू सिट इन अ सर्टेन वे यू हैव टू वॉक इन अ सर्टेन वे यू हैव टू वरी नथिंग विद दिस लाइक नो वरीज विद दिस यू कैन जस्ट
लिव योर हार्ट आउट, यू कैन डांस योर हार्ट आउट. ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. साथ में जो वीडियो चल रही होंगी उसमें आप देख ही रहे होंगे कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी एंड फ्लैटरिंग लगती हैं. और साथ में स्टाइलिंग के लिए मैंने यार डिफरेंट वे में स्टाइल किया है, तो आप जैसे भी स्टाइल करना चाहो कर सकते हो. इट्स कम्प्लीटली एंड टोटली अप टू यू. क्योंकि अभी मैं जहाँ पे हूँ थोड़ी सी सर्दी हो रखी है, तो मैंने मेरे पास एक ग्रीन सॉरी ब्लैक कलर का टर्टल नेक टॉप था, तो मैंने ये उसके साथ स्टाइल किया. खैर वो टर्टल नेक टॉप भी मैंने मिंत्रा से ही मंगाया है, एंड आई शो यू. टर्टल नेक कह लो या हाई नेक कह लो, दिस इज द टॉप. Look at this. ये एक वुलन टॉप है. ये स्ट्रेचेबल है यार, मतलब अच्छा खासा स्ट्रेच होता है. बट अगर आप मेरी पहले के वीडियोस फॉलो करते होगे तो मैं बस मेरी आदत से मजबूर मैं हमेशा अपनी साइज से थोड़ा बड़ा ही मंगाती हूँ. तो दिस इज इन द साइज मीडियम फ्रॉम द ब्रांड ड्रेस बेरी. ये ड्रेस बेरी का है. ड्रेस बेरी ब्रांड मुझे ऐसे भी बहुत पसंद है बिकॉज दे गिव ऑल अफोर्डेबल एंड स्टाइलिश ऑप्शंस. तो ये देखो, ये इसकी स्लीव्स है. इसकी स्लीव्स पे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इलास्टिक टाइप का दे रखा है जिससे कि बहुत ज़्यादा लूज ना हो. एंड ये इसका जो हाई नेक वाला वो हो गया गला, एंड देन पीछे नीचे जो है ये बलून टाइप का कुछ दे रखा है जिससे कि थोड़ा सा टाइट हो. बट जिस तरीके से मैंने स्टाइल किया है, मैंने इसको टग इन कर लिया है, तो ये नीचे का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट जस्ट टू शो यू गाइज, तो इस वजह से मैं दिखा रही हूँ. लाइक दिस इज कम्प्लीट टॉप, और इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, एंड साथ में ये गर्म भी है. मतलब अगर आप इफ़ यू आर समवेयर लिविंग इन अ टेम्परेचर बिटवीन 12 टू 15 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम पे दिस विल वर्क फॉर यू गाइस. मतलब एक तरीके से जो वार्मर होते हैं, बॉडी वार्मर, वो वाला काम ये करेगा. क्वालिटी वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. स्टिचेस भी अच्छे हैं. लाइक सी, ये स्टिचेस की क्वालिटी है, ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा है एंड चुभेगा नहीं. पता है पहले मैं हाई नेक नहीं पहनती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चुभता था यहाँ पे, उसके स्टिचेस की क्वालिटी वगैरह नहीं अच्छी होती थी. बट देयर इज नो सच प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर पीस. तो आई रियली 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 लव दिस पर्टिकुलर पीस. तो प्राइस मैं कहीं पे मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे. और जो हमारे पास नेक्स्ट है ना, दिस इज अ स्वेटशर्ट जो कि मैंने मेन्स सेक्शन से ली थी. क्योंकि मुझे बैगी स्वेटशर्ट्स यार बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पसंद हैं. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कुक एंड कीच. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट. मतलब KOOK कुक एन KEECH कीच. ये एक मतलब हुडेड स्वेटशर्ट है, हुडी टाइप का है, आगे से खुला हुआ है, जिप नहीं है. और यहाँ पे जो आप ये एक पाइपिन टाइप का देख रहे हो ना, दिस इज़ फ्लोरोसेंट. मतलब रात में ना ये चमकेगा अच्छे से. एंड दिस इज़ इन द साइज मीडियम. साइज मीडियम है लेकिन मेरे को बहुत बड़ा है. बट आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस बिकॉज आई लव दिस. आई मीन लुक एट दिस. स्लीव्स वगैरह बहुत अच्छी हैं और ये ठीक ठाक गर्म भी है. मतलब अंदर देखो एक वुलन टाइप का वो दे रखा है. मतलब लाइनिंग तो नहीं कहेंगे बट अंदर इट इज वुलन. तो हमें एक प्रॉपर मतलब जो ठंडी से बचाने वाला चीज़ होता है ना, वो काम ये करेगा. तो दैट्स वाई आई रियली लव दिस. पहले जब ये आया था आई थॉट आई विल रिटर्न दिस, बट देन व्हेन आई वाज वेयरिंग दिस विद जीन्स एंड क्रॉप टॉप, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. लाइक स्किन फिट जीन्स एंड क्रॉप टॉप एंड जस्ट लेयर इट अप विद दिस पर्टिकुलर स्वेटशर्ट एंड यू आर गुड टू गो. मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा पीस था, मज़ा आ गई थी मुझे देख के. तो या एक ये पीस है. एंड देन वन मोर आई हैव, आई थिंक मैं यहाँ पे लेके नहीं बैठी हूँ यार, मैं बस लेकर आती हूँ. जस्ट अ सेकंड. दिस इज अ प्रिंटेड प्लाजो. लाइक अच्छा खासा घेर वाला प्लाजो है ये देखो. फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड, वेट अ मिनट,
टैग सेवन. आई थिंक टैग सेवन स्पेशली प्लाजोज वगैरह बनाती है क्योंकि मैंने इनके प्लाजोज बहुत सारे देखे हैं और ये मैंने मॉडल को पहने हुए देखा. मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अच्छा लग गया ये कि मैंने ले लिया. मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बाहर पहनने के लिए या पार्टी वेयर उसके लिए लिया है, नहीं. दिस इज सुपर डुपर कम्फर्टेबल घर वगैरह में पहनने के लिए भी, तो इस वजह से मैंने ये लिया. एंड साथ में ये फुल भी है ना, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. बहुत खुला खुला सा, एरी एरी सा, एंड ऑल्सो दिस कवर्स योर लेग व्हेन जब आपके वो पैर ऐसे होते हैं ना, एकदम बड़े बड़े से जंगल उगे होते हैं, उसके बाद आपको कुछ पहनना होता है टू जस्ट कवर योर लेग एंड यू स्टिल वांट टू लुक प्रेजेंटेबल, देन दिस इज़ द थिंग यू हैव टू गो विद. आई मीन जस्ट लुक एट दिस. इसका प्रिंट वगैरह इतना ज़्यादा अच्छा है एंड साथ में द क्वालिटी. ये यहाँ कमर पे ना ये इलास्टिक है एंड साथ में इलास्टिक अगर आपको लूज होते हैं ना, मतलब आप बहुत ज़्यादा पतले हो एकदम माचिस की तीली जैसे, तो ये भी है जस्ट टू टाइटन इट अप. बट मैं इतनी पतली नहीं हूँ यार, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, तो या दिस इज़ इट. आई थिंक आज के हॉल के लिए मेरे पास सिर्फ इतना था. बट आई थिंक गाइज ये सिर्फ नहीं है, दिस इज़ मोर देन इनफ. लाइक यार सेल चल रही है, एंड ऑफ रीजन सेल, 50-90% ऑफ. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट गो एंड शॉप. मतलब 16 तक है, टुडे इज 12th. आई थिंक आज मैं शूट कर रही हूँ, मतलब टुडे इज 12th. आई थिंक इधर टुमारो या फिर टुडे इज सेल्फ बाई नाइट मैं ये वीडियो पब्लिश कर दूंगी. तो यू अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगता है तो यू कैन जस्ट गो एंड विश लिस्ट और जस्ट पुट इट इन योर बैग एंड जस्ट बाई यार, क्योंकि बहुत अच्छा सेल प्राइस चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा. मतलब 50-90% ऑफ, ये मज़ा ही आ जाती है देख देख के, सुनने में मज़ा आ जाती है. तो एक बार जब एक बार 50-90% ऑफ सुन लेते हो ना, तो अपने आप यू स्टार्ट सर्विंग कि जो है हाँ चलो देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए, मज़ा आ जाए. एंड अगेन जो मैंने टॉप्स वगैरह स्टाइल किए हैं जिसके साथ भी, जिस भी लाइक बेज वाली के साथ मैंने ब्लैक हॉल्टर नेक टॉप स्टाइल किया था, ग्रीन वाली के साथ एक ग्रीन क्रॉप टॉप स्टाइल किया था या क्रॉसेट टॉप था वो स्टाइल किया था, तो यू आर गोइंग टू गेट द लिंक there on the top right corner itself. क्योंकि मैंने इससे पहले जो हॉल वीडियोज़ बनाई थी वो मिंत्रा से ही थे, मैंने हॉल वीडियोज़ बनाई थी बट नॉट फॉर द सेल सीजन, मैंने काफ़ी पहले बनाई थी. तो यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक इट आउट, लिंक इज गिवन देयर. एंड ऑल्सो आई हैव मेड द कलेक्शन ऑफ ऑल माई शॉप्स, ऑफ द ऑल द शॉपिंग आई हैव डन ऑन अ साइट कॉल्ड हॉल पैक, और मैं उस कलेक्शन का लिंक नीचे डाल दूंगी. तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, it will take you to the to my Myntra collection, Myntra shopping collection. You can go check it out, whatever you like, you have to just click and it will directly take you to the site or the app of the product whichever you want to buy. So yeah, that's it for today's video. I just hope guys you like the video, you like the styling, you like the content. Agar aapko acha ho to like, share or comment zarur kar dena. And if at all you're new to this channel guys, please subscribe kar dena and saath mein hit that notification bell, jisse ki koi bhi nayi video aaye to aapko update mil jaye, notification aa jaye aur aap dekh sako. That's it for today's video. Thank you for watching. Bye bye.